गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 19th of October 2022। आइए देखते हैं कि ओवरनाइट में करेंसीज में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स अभी है 112.05 पे। ये जो ट्रेंडलाइन सपोर्ट है उसके नजदीक होवर अराउंड कर रहा है। आने वाले दिनों में हमें, आज और आने वाले दिनों में हमें ये देखना है कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट को क्या कन्विंसिंगली ब्रेक करता है या यहाँ पे टच करके फिर दोबारा अप मूव मारता है। जैसे कि आप ये देखोगे, आपका यहाँ पे फिर ऊपर गया, फिर आपका यहाँ पे फिर ऊपर गया। अभी नाउ द क्वेश्चन इज दैट यहाँ पे आने के बाद क्या ये दोबारा ऊपर की तरफ अप मूव देगा या नीचे डाउन करेगा। दैट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन दैट वी नीड टू वेट एंड वॉच। डॉलर रुपी में कंसोलिडेशंस पे कंसोलिडेशंस हो रहा है। वी नीड टू वेट टिल द ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस। तो एज ऑफ नाउ आपका जो है 82.00 से 82.10 on the lower, that means on the lower side as a support, and upar ki taraf aapka 82.65 se 82.75 as the resistance levels. So hume closely monitor karna hai. As of now selling ke liye koi trigger ya koi indications yahan pe hum dikh nahi rahe hain. GBP dollar mein abhi hai 1.1335। जैसे कि कल का हमारा एनालिसिस है वहां पे हमें ये इंतजार करना है कि ये जो रिसेंट स्विंग हाई है दैट इज योर 1.15 का, इसके ऊपर क्या सस्टेन करता है एंड देयर बाय मेकिंग एन हायर हाई और नॉट, इसी का हमें अभी इंतजार है। जीबीपी आईएनआर पे भी सिमिलरली ये जो स्विंग हाई है आपका 5th of October का दैट इज एट 93.55, इसके हाई के ऊपर क्या क्लोज दे देता है या नहीं, देयर बाय मेकिंग हायर हाई और नॉट, इसी का हमें यहाँ पे इंतजार रहेगा। यूरो डॉलर पे हालांकि ये लोअर हाई हायर लो बनाया हुआ है, अभी हमारा इंतजार है वही है 4th of October, 5th of October दोनों दिन का जो हाई है दैट इज 1.0000, इसके हाई को चैलेंज करके ऊपर में जब तक क्लोज नहीं दे देता है, इट इज नॉट मेकिंग हायर हाई, तब तक हमें साइडवाइज चॉपी वॉलेटाइल मोमेंटम हमें यहाँ पे दिखना पड़ेगा। यूरो आयनर में भी सिमिलरली वही है, 4th and 5th का जो हाई है दैट इज 81.45, उसके हाई के ऊपर क्या क्लोज दे देता है या नहीं, उसमें क्लोज देने के बाद भी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा दैट इज 81.80 से 82.25 के बीच में, उसी को भी एक इमीडिएट हर्डल्स की तरह हमें एक्सेप्ट करना है। उसके ऊपर क्या जाता है या नहीं जाता है ऑन ए डेली बेसिस ये हमें देखना होगा। ये अगर क्लोज दे देता है देन एंड ओनली देन हायर हाई हायर लो का कन्फर्मेशन हमें मिलेगा। टिल दैट टाइम चॉपिनेस वॉलेटिलिटी अनसर्टेनिटी सब कुछ बरकरार रहेगा। डॉलर येन कल एक पिन बार बनाया हुआ है एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड। सो यानी प्राइस लो मारने के बाद, लो कितने में मारा था 148.11, ये लो मारने के बाद फिर वापस ऊपर जाके क्लोज दिया है 149.23, यानी मोर देन 110 पिप्स के ऊपर जाके क्लोज दिया है फ्रॉम द लो। तो प्राइस गॉट रिजेक्टेड एट 148.11 पे रिजेक्ट हुआ है। व्हाट इट मींस, हालांकि ये पिन बार का लोकेशन गलत है, ये डाउन ट्रेंड में पिन बार मिलता तो बाई के लिए बहुत ही बढ़िया था, लेकिन यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन इज द मेन क्राइटेरिया। प्राइस रिजेक्शन होने के बाद अगर 148 के नीचे प्राइस आवर्ली बेसिस पे सस्टेन कर जाता है तो वी मे एक्सपेक्ट सम डाउनवर्ड मोमेंटम, और हायरस ऊपर की तरफ हाई के ऊपर थोड़ा सा हम कंटिन्यूएशन देख सकते हैं एंड हमें बीओजे का मूव हमें क्लोजली मॉनिटर करना है। यह नाइनर में सिमिलरली लो पे लो बना रहा है, अभी जो रिसेंट स्विंग लो है दैट इज ऑन 14th of September, क्या लो है दैट इज 0.5493 उस एरिया में, नॉट एग्जैक्टली 0.5493, मे बी करंट लेवल 5510 और 0.55 और 0.55 0.5470 0.5450
मीन्स इसके आजू बाजू में क्या सपोर्ट लेके एक रिवर्सल का सिग्नल्स देता है या नहीं देता है, उसके लिए हमें यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। डॉलर कैंडी में प्राइस रिजेक्शन के बाद कल एक स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है। ये स्पिनिंग टॉप आपका व्हाट इट मीन्स, प्राइस रिजेक्शन ऑन बोथ एंड्स, दैट मीन द केस 138.11 के ऊपर थोड़ा सा अपवर्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड नीचे 131.365 के नीचे हम सेल ऑफ कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे ऑसी डॉलर में यहाँ पे आपका लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन के बाद कल का जो था एक स्मॉल बॉडी कैंडल्स है, तो अभी दैट बीइंग द केस हमें ये आपका ये जो रेड कैंडल है 14 अक्टूबर, इसके हाई के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। क्लोज देने से भी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया हुआ है आपका 0.6390 से 0.6450, ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। दैट बीइंग द केस जब भी एक डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड के बाद अपटिक में अपवर्ड मूवमेंट्स में रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। सीएनएच में आपका जो है कल एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम था, एंड क्लोज भी स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है एट 7.2188। तो अभी ये क्रूशियल लेवल्स में है, हमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा क्या ये 7.2650 के ऊपर मंथली क्लोज दे देता है, या यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद पीबीओसी का कुछ इंटरवेंशन आता है एंड सेल ऑफ होता है, वो हमें देखना पड़ेगा। यूके ऑयल में कल एक नेगेटिव कैंडल देखा हुआ है, लेकिन लोअर लेवल्स पे थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शन आया है, 88.81 लो मार्क के फिर क्लोज दिया है 90.56। सो दैट बीइंग द केस ये जो आपका लोअर लेवल्स में प्राइस रिजेक्शन हुआ है, सो यहाँ पे थोड़ा सेल ऑफ के, जब तक ये 88.81 के नीचे कंटिन्यू नहीं करता है तब तक यहाँ पे थोड़ा लोअर लेवल पे प्राइस रिजेक्शन हमें देख सकता है। यूएस 10-year ट्रेजरी ऊपर में ही है 4.028, तो यहाँ पे वही है आपका केयरफुली मॉनिटर कर रहे हैं कि ऊपर में, हालांकि ऊपर का ही ट्रेंड है लेकिन नीचे की तरफ अभी तक कुछ इंडिकेशंस हमें मिला नहीं है, तो हमें यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। सो दैट बीइंग द केस ये करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।